छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी खबर है, जहां पर आज महतारी वंदन योजना की दूसरी किश्त जारी होने वाली है। महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए आएंगे। 70 लाख से भी ज्यादा खातों में दूसरी किश्त भेजने की तैयारी चल रही है। पहले किश्त में 655 करोड़ रुपए जारी हुए थे और अब दूसरी किश्त जो है महिलाओं के खाते में जारी की जाएगी। महतारी वंदन योजना, जिसका जिक्र आपने कई बार मंच से, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की जुबान से सुना होगा, और ये ऐसी योजना जो कि काफी ज्यादा कारगर साबित हुई है, महिलाओं को काफी ज्यादा लाभ मिला है। कहा जाए तो प्रति माह 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं सरकार की तरफ से, और आज भी महतारी वंदन योजना की दूसरी किश्त जारी होगी। विवादित बयान पर बीजेपी ने एक्शन लिया है। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के खिलाफ शिकायत की गई। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने दिया था विवादित बयान और इस बयान को लेकर काफी उग्र भी हुए थे पार्टी के नेता। तो बीजेपी ने बयान को अमर्यादित और भड़काऊ बताया है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र पाध्ये ने शिकायत दर्ज करवाई थी। दुर्ग का पूरा मामला है, जहां पर विवादित बयान पर बीजेपी ने एक्शन लिया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने विवादित बयान दिया था। बीजेपी ने बयान को अमर्यादित और भड़काऊ बताया था। झाबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान चांदी और नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि 13 लाख की नकद और 44 किलो चांदी बरामद की गई है। गुजरात मध्य प्रदेश सीमा पर चेकिंग चलाई जा रही है और ऐसे में पुलिस की चेकिंग के कार्रवाई के दौरान कई आला अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम, एएसपी, एसडीएम और एसडीपीओ मौके पर मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जो बॉर्डर्स हैं उन पर चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं। चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इसके अलावा कई शहरों में भी इस तरीके से चेक पोस्ट लगाए गए हैं, वाहनों की चेकिंग हो रही है और बड़े शातिराना अंदाज से जो यहाँ पर पैसे ले जाने का सिलसिला है वो दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से 13 लाख कैश और 44 किलो चांदी गुजरात मध्य प्रदेश सीमा के पास पुलिस की तरफ से जब्त की गई है कार से। शिवपुरी के रहने वाली छात्रा के फर्जी अपहरण मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 15 दिन बाद लापता युवती और उसके दोस्त हर्षित को दस्तयाब लिया है, और ऐसे में इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि जिस समय कोटा पुलिस युवती की तलाश में इंदौर आई थी, तब वो अपने दोस्त हर्षित के साथ अमृतसर गोल्डन टेम्पल चली गई और उनके पास पैसे कम थे, इसलिए दोनों बहुत कम समय तक वहां के गुरुद्वारे में ही रहे। 2 दिन पहले ही दोनों इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र के देव मुराडिया इलाके के शिवाजी वाटिका के पास एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस युवती काव्या और उसके मित्र हर्षित को ढूंढकर थाने ले आई। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने कोटा पुलिस को उसकी जानकारी दे दी है और अब कोटा इनसे आगे की पूछताछ कोटा पुलिस कर रही है। क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी सूचना पर जो खुड़ैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देव ग्वालिया से आगे एक शिवाजी वाटिका है, वहां पर ऐसी सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वहां से एक दोनों को, एक हर्षित और एक जो लड़की है काव्या, उन दोनों को वहां से उनको दस्तयाब कर लिया गया है। जबलपुर में प्रशासन का एक्शन, जहां निजी क्लिनिकों पर अब तक की बड़ी कार्रवाई की गई है। 122 निजी क्लिनिकों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है। लाइसेंस रिन्यू नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई और अब किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकेंगे। नए मरीजों के सैंपल लेने पर भी रोक है। 122 ऐसे निजी क्लिनिक्स जिनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है और अब वो किसी भी मरीज के सैंपल नहीं ले सकेंगे, इसके अलावा इलाज नहीं कर सकेंगे। प्रशासन का ये बड़ा एक्शन, 122 निजी क्लिनिक्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दंतेवाड़ा के किरुंदुल के सब स्टेशन में भीषण आग लग गई। सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में ये आग लगी।
बता दें कि आग लगने से बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। हालांकि आग कैसे लगी है ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब काफी मशक्कत करनी पड़ी आग को बुझाने के लिए। दंतेवाड़ा के किरंदुल के सब स्टेशन में आग लगी थी और सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आग लगी। और आप ये देखिए, दूर से ही तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। और देखते ही देखते छोटी सी आग विकराल रूप ले ली। आग लगने से बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। सूरजपुर में हार्डवेयर दुकान के गोदाम में लगी आग, आग में एक कर्मचारी झुलस गया। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है। आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि आग में लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। पुराना बस स्टैंड के पास की घटना है। धुएं का गुब्बार आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग ने विकराल रूप ले लिया। हार्डवेयर की ये दुकान जिसमें कि सामान रखा हुआ था, एक तरह से गोदाम और काफ़ी ज़्यादा भारी स्टॉक यहाँ पर रखे गए थे, लेकिन अब सब कुछ जलकर राख हो चुके हैं। लाखों का नुकसान इसमें बताया जा रहा है, लेकिन आग लगने के कारण अभी भी अज्ञात है। और आप ये तस्वीरें देखिए, जब एक कर्मचारी भी इसमें झुलस गया, जिसे तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया, इलाज दिया गया। हालांकि जान माल का कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस आगजनी में कर्मचारी जरूर झुलस गया है। और अब बात सूरजपुर की करेंगे, जहां जिला अस्पताल के सामने बाइक में अचानक से आग लग गई। युवक ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। बाल बाल बचा युवक, मरीज को देखने के लिए आया था युवक और उसी दौरान उसके साथ ये घटनाक्रम हुआ है। जब वो बाइक से जा रहा था और इसी दौरान उसकी गाड़ी में अचानक से आग लग गई और देखते देखते आग पूरी बाइक में फैल गई। युवक ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। बाल बाल युवक बच गया। मरीज को देखने के लिए युवक हॉस्पिटल आया हुआ था और इसी दौरान ये घटना घटी थी। केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने गुना से कांग्रेस प्रत्याशी के बयान पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं ना किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूं, मैं सेवक था, सेवक हूं और जिंदगी भर सेवक रहूंगा। गुना सीट पर पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया के प्रचार करने के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि वो मेरे जीवन की साथी हैं, चुनाव में भी मेरे साथ रहेंगी। व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूँ, मैं सेवक था, मैं सेवक हूँ और जिंदगी भर सेवक रहूंगी। मेरी जीवन की साथी है, चुनाव में भी साथ रहेगी। राज साहब को हर चीज में कुछ न कुछ कठिनाई दिखती है। जैसे ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी, पिछले 10-15 साल से ईवीएम पर प्रश्न वही उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा